लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। फेमस सिंगर अनुराधा पौडवाल लंबे टाइम से म्यूजिक वर्ल्ड से दूर हैं। अमिताभ बच्चन और जया की फिल्म अभिमान से करियर शुरू करने वाली अनुराधा ने करीब 12 साल पहले आखिरी बार फिल्म जाने होगा क्या गाने गाए थे। कम ही लोग जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम कविता पौडवाल है। कविता एक बेहतरीन सिंगर है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। अभी तक कविता को कभी भी बॉलीवुड में गाते हुए नहीं सुना है। फिलहाल वे अपनी माँ की तरह भक्ति गीत गाती हैं। कविता अब तक करीब 16 भक्ति एल्बम के लिए गाने गा चुकी हैं। सोर्सेज के मुताबिक यही उनकी इनकम का सोर्स है। यहाँ तक कि कविता अपनी माँ की तरह ज्यादा फेमस नहीं है, वे गरबा-डांडिया से लेकर छोटे बड़े सभी पब्लिक इवेंट्स में गाती हैं। कविता का सोशल मीडिया अकाउंट इवेंट्स के लाइव वीडियोज और छोटी छोटी लाइव परफॉर्मेंस से भरा हुआ है। बता दें, यही उनकी इनकम का सोर्स भी है। गुलशन कुमार से अफेयर को लेकर सुर्खियों में रही अनुराधा पौडवाल ने न सिर्फ बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग की, बल्कि भजन गायकी में भी उन्होंने नाम कमाया। उन्होंने अरुण पौडवाल से शादी की थी, जो एस डी बर्मन के असिस्टेंट और खुद भी एक म्यूजिक कंपोजर थे। दोनों के दो बच्चे, बेटा आदित्य और बेटी कविता पौडवाल। अरुण पौडवाल की मौत के बाद अनुराधा का टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से काफी नाम जोड़ा। बता दें, अनुराधा ने करीब 10 साल से ज्यादा समय तक टी सीरीज के लिए काम किया। अनुराधा ने बॉलीवुड गानों और भजनों के अलावा पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया और नेपाली भाषा में भी गाने गाए हैं।